असलम लूस्टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी ख़िदमत में आज का प्रोग्राम क्रिकेट पर है जैसा कि आप जानते इंग्लिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है तीन टेस्ट खेलेगी मगर कराची में टेस्ट नहीं होगा इसकी वजह क्या है कि कराची के हालात ठीक नहीं हैं जबकि हम सब जानते हैं कि जितना क्रिकेट कराची वाले जानते हैं उतना पाकिस्तान में और कोई नहीं जानता इतने बड़े बड़े नाम इसी शहर से गए हनी फोम्म से बड़ा और कौन हो सकता है ताल्लु कराची जावेद मियादार सईद अनवर और फिर शायद आफरीदी तक ले लें आप मगर हम बात कर रहे हैं एक साहब से वो क्रिकेट पर बात करना चाहते हैं मुझसे सलाम सर अलैकुम सलाम आप क्रिकेट पे बात करना चाहते हैं कौन? आप हम क्रिकेट पे बात करना चाहते हैं बताओ लॉर्ड कर्जन के पोते कह रहे कराची में टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे दहशत गर्दी की वजह से जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने है? जी जी और वो भोपाली भो, भो, भो मान गए कौन भोपाली वो भोपाली जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं सर कैसे शहर यार साहब <volley> यार साहब मान गए सर मजबूरी है किस बात की मजबूरी है बताओ जवाब दो किस बात की मजबूरी है मैं पूछ रहा हूँ जवाब दो किस बात की मजबूरी है नहीं जब मैं मैं बता रहा के आगे अली कहती है किस बात मजबूरी किस बात की मजबूरी है सर जब टेस्ट होता है तो पाँच छह दिन के लिए उनको आके रहना पड़ेगा कराची में वो समझ रहे हैं कि पाँच छह दिन रहेंगे तो हंगामे हो सकते हैं यानी दहशतगर्दी हो जी जी बिल्कुल तो वहां लंदन में क्या क्रिसमस फादर ने फुलडरिया छोड़ी थी जो उधर मैच खेल लिए अब देखो ना कैसी चुप लग गई तुमको सर जहाँ तक लंदन की बात है लंदन में जो बेगुना लोग चले गए मर गए बहुत अफसोस है यानी लंदन में जो चले गए वो बेगुना थे इराक में सब गुनागार थे इसलिए तुमको अफसोस नहीं हुआ फलस्तीन में सब गुनाहगार है इसलिए तुम्हें अफसोस नहीं हुआ कश्मीर में सब है इसलिए अफसोस नहीं हुआ मेरी बात सुनिए और वो में मेरा मुंह अब खुल गया है बहुत मुश्किल से बात, क्रिकेट, नहीं? सिर्फ क्रिकेट, पर बात करें। क्रिकेट पे बात करें तुम लोगों की एक मजबूरी होते हाँ तुम लोग मुतासिर हो उन लोगों से तुम लोग अभी तक ये समझ रहे हो कि मलका विक्टोरिया तुम लोगों को घुमा रही है घुमा रही है अभे भर्रखी से अंग्रेज चले गए गोरे चले गए, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कराची में क्रिकेट मैच जो टेस्ट मैच है गोरों का भाप भी खेलेगा दिस इज माय ऑर्डर दिस इज माय ऑर्डर अटैक किस कसम की बात कर रहे हैं आप इस किस्म की बात मुझे करना चाहिए क्या मतलब आपका कि दिस इज माय ऑर्डर दिस इज माय ऑर्डर है कौन आप अबे जब कह दिया मैंने दिस इज माय ऑर्डर तो दिस इज माय ऑर्डर ये तो कोई भी कह सकता है दिस इज माय ऑर्डर अब उसकी मर्जी है कि कोई माने या ना माने अंग्रेजों का दौरा तय हो चुका है वो लोग कराची में सिर्फ वन डे इंटरनेशनल खेलेंगे एक मैच वन डे इंटरनेशनल एक मैच, एक मैच और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो दो खुद कुछ मैच खुद खेल लिए जवाब दो अब कैसे तुम्हारी भतीसी बंद हो जाती है जब मैं कोई सही बात करता हूँ तो, कहा अरे सुनो और वो टोनी ब्लेयर जिसका तुमने नाम लिया वो दस ही मैं तुम्हें बताऊं वो दस ही आप किस तरह की बातें कर रहे हैं वजी आजम है हिंदुस्तान क्या बात करते हैं दस ही देखो रहते कहा है वो टेन डाउनिंग स्ट्रीट उनके एड्रेस बता रहा था इसकी वजह से कह दिया दस नंबर ही बात सुनिए ऑस्ट्रेलिया खिलाफ दो मैच हारे इंग्लैंड ने किसने इंग्लैंड ने मगर मैं आपसे कह दूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के बाद इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी टीम जो है वो इंग्लैंड की है अब फिर मैं कहूंगा कि तुम पिट्टू हो तो तुम्हें बुरा लगेगा अबे मुझे एक बताओ अंग्रेज टीम किधर से खूबसूरत है कभी उनके दांत और मसूड़े देखे हैं सर ने? मैंने उनसे अच्छी का मतलब मेरा यह है कि क्रिकेट में सर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं बस तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है जहाँ पर गोरी चमड़ी देखी फौरन उसके गुलाम बन वही वाला बखौल के कमजोर हो मुकाबिल, कमजोर मुकाबिल, आ, हो।, कमजोर मुकाबिल हो।, हो तो फौलाद है मोमिन अंग्रेज हो सरकार तो फौलाद है मोमिन समझ में आई बात तुम लोगों का ये प्रॉब्लम है ऐसा लगता है सर आपको क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई दिलचस्पी नहीं है आप सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ है। बताओ एक बात सोचने की है ये अंग्रेज भर्रखीर को लूट के चले गए लूटिंग 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 लुटस बचा के चले गए समझ में आई बात कश्मीर का मसला हल नहीं होने दिया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है तक आपस में दुश्मन रहे अबे तुम नहीं समझते हो फिर ऊपर से कह रहे हैं कराची में टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे अबे कैसे नहीं खेलेंगे मैं देखता हूँ तुम अंग्रेज को नहीं जानते मैं अंग्रेज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें तो पता नहीं कि मैं जो हूँ आखिरी मुगल हूँ आखिरी मुगल आपका खानदान मुगल है नहीं हमारा खानदान मुगल नहीं है मेरे जो ताऊ थे वो मुगल टोबैको कंपनी में सुपरवाइजर थे कभी तो आप नॉर्मल बातें करते हैं कभी ऐसी बात करते हैं कि आप कुछ मालूम ही नहीं है तो मैं तुम्हें भी तो कुछ नहीं मालूम ये बताओ अंग्रेज का मतलब तुम जानते हो डू यू नो द मीनिंग ऑफ अंग्रेज क्या मतलब है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आप बताए मैं हित में नाम से बैठा हूँ जब तुम्हारी समझ में ना आए तो पूछ लेना कि अंग्रेज का मतलब क्या मैं तुमको बता दूंगा अंग्रेज का मतलब ब्रिटिश अंग्रेज का मतलब क्या कहा तुमने ब्रिटिश दिल तो चाहता है कि ये यहाँ से शीशा उठा के तुम्हारे सर पे बजा दू यही तो बात है इल्म है नहीं बैठ के टीवी के ऊपर कंपेरिंग करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ अंग्रेज का मतलब जिस जमाने में हमारे जो बुजुर्ग थे जो बड़े बड़े छोटे हुआ करते थे वो लोग जब वो गैर मुल्क में जाते थे तो वहां पर जो औरतें होती थी ना उनकी उनको देख के कहते थे अंग्रेज मैं नहीं समझा नहीं समझे अब ये बताओ अंग्रेज इसमें पहला लफ्ज आता है अंग अंग का मतलब क्या है अंग का मतलब है जिस्म जिस्म और रेस का मतलब इंग्लिश में पूछ रहा हूं रेस का मतलब क्या है आपका दिमाग खराब है आप सिर्फ क्रिकेट की बात करें कभी क्रिकेट खेली आपने इतने आपने क्रिकेट है कोई होली नहीं है कि क्रिकेट खेली आपने बस तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की समझ में आई बात क्या प्रॉब्लम है हम लोगों की हम मैं आप टीवी पे कब से आ रहा हूँ आगे मेजबानी करता हूँ यही तो प्रॉब्लम है इस मुल्क की इस मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है जिनको रिटायर होकर घर में चुप के बैठना चाहिए वो टीवी पे कंपेयरिंग कर रहे हैं मेरी मजबूरी है ये मेरे सामने बैठे रहेंगे आप लोग इश्तहार देखिए जी इश्तहार खत्म हो गए थी मेरे भाई अनमर मकसूद भूख से मेरे पेट में कोहराम मचा हुआ है ऐसा लग रहा है पार्टीशन के बाद पहली ट्रेन लाहौर पहुंची है कुछ खिला दो सर रिकॉर्डिंग हो रही है कैसे मिलेगा खाना आपको कैसी बात कर रहे हैं आपके? यकीन जानो मेरी ओझड़ी इस वक्त कैंप बन गई है धमाके हो रहे हैं कुछ खिला दो क्या खाएंगे <laughs> ऐसा करो नली निहारी अगर मगज फ्राई के साथ मिल जाए तो प्रोग्राम का उबाला हो जाएगा आपकी यह ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती अबे तो फिर क्यों तुमने कहा कि क्या खाएंगे बिस्किट और चाय मिल सकती है आपको बिस्किट और चाय चलो छोड़ो अगला सवाल करो आ, आप कभी इंग्लिस्तान गए हैं। इंग्लिस्तान थे? अबे हाँ साल की उम्र में कोई बदमाशी करने तो जा नहीं सकता आप किस तरह का जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ अब तुम्हें मैं पूरा किस्सा सुनाता हूँ मेरे मामू जो हैं वो इंग्लिश जा रहे थे मुझे साथ लेके चले गए कहने लगे तुम भी चलो अब जब एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो देखा घोरा झाड़ू दे रहा है मामू फौरन जाके उनके खदमों में गिर गए उस घोरे के कहने लगे आका यह काम आप हाँ पे सेव नहीं देता ये काम तो हमें करना चाहिए मामू की हमेशा से ये थ्योरी रही कि घोरा जो है वो सिर्फ हुकूमत कर सकता है मामू लंदन क्यों गए थे पता नहीं क्यों गए थे बीवी से तो अपनी ये कह के गए थे गांधी जी उनको एक जरूरी काम से भेज रहे हैं, लंदन अंग्रेजी आती थी आपके मामू को बस काम चला लेते थे एक लफ्ज अंग्रेजी का तो ऐसा रटा हुआ था उनको माई डार्लिंग बस जब तक लंदन में रहे ये लफ्ज से काम निकालते रहे हम बात कर रहे थे क्रिकेट पर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इस वक्त जो जो क्रिकेट खेलते हैं उनमें नंबर एक ऑस्ट्रेलिया है और इस वक्त नंबर दो इंग्लैंड की टीम है देखो एक बात में तुमको बताऊं इस तरह के बड़े बड़े जो है ना खुद खुद मत मत दिया करो करो फैसले खुद मत किया करो। कि पहली टीम ऑस्ट्रेलिया है दूसरी टीम नंबर फिर लंदन है अब हाँ हा, वो कौन सा बिल है जो पास हो गया है हसबा बिल पास हो गया है तुम्हारी गुद्दी पगड़ी जा सकती है देखें आपसे तो बहस करना मुझे ऐसा लग रहा है कि बेकार है जब बहस करना बेकार समझते हो तो बहस की गुंजाइश ही नहीं है नहीं नहीं आप की बातों बातों? बातों। में कोई वजन नहीं है। आपकी बात आप मेरी बातों में वजन है तुम्हारे सवाल हल्के हैं नहीं नहीं आपको बुलाया था क्रिकेट बात करने के लिए आप तो इतनी देर से आप मैं क्या अपने घरेलू हालात का जिक्र कर रहा था आप सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बात कर रहे हैं अगर उन्होंने मना कर दिया कि कराची में मैच नहीं खेलेंगे वो तो कोई ना कोई वजह होगी तो खत्म करें इस बात को कि मैच फिर हो जाएगा मगर एक बात तय में टेस्ट नहीं खेलेंगे, सिर्फ वन इंटरनेशनल खेलेंगे। एक। तुमने क्या कहा बात तय है जी पाकिस्तान में कोई बात तय नहीं होती बताओ ने ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है सिर्फ एक दिन के मैच के लिए न्यूजीलैंड कह रहा है कराची में टेस्ट नहीं खेलेंगे बिल्कुल कराची में ऑस्ट्रेलिया है कराची में टेस्ट नहीं खेलेंगे इंग्लैंड कह रहा है कराची में टेस्ट नहीं खेलेंगे अब और तो और जिम्बाब्वे कह रहा है कि कराची में टेस्ट नहीं खेलेंगे अबे जिम्बाब्वे को तो वैसे भी कुछ नहीं खेलना चाहिए मुंह छुपा के बैठना चाहिए कह रहे हैं कि वन डे नहीं खेल अगर यही सूरत हाल रही तो तुम देख लेना एक दिन पंजाब ब्लूज और सरहद ग्रीन भी कराची में मैच खेलने से इनकार कर देंगी और फिर जानते करोड़ों रुपया लगाने के बाद नेशनल स्टेडियम का अंजाम क्या होगा नेशनल स्टेडियम हो जाएगा शादी हॉल शादी होगी वहाँ पर बारह बजे रात को एक बजे भारत आएगी और दो बजे के करीब खाना होगा इतना लंबा फासला है एक बराती दूसरे बाराती तक पहुंचने में सुबह हो जाएगी दूसरे दिन होगी क्या क्या बातें कितना रहे? वजन है मेरी बातों में क्या कर रहे हैं आप क्या सोच के आए थे प्रोग्राम में आप मेरा ख्याल है अब तुम मेरी बेइज्जती का प्रोग्राम बना रहे हो इससे पहले कि तुम कोई बदतमीजी करो वक्फा ले लो नहीं आप में मतलब माकूल आदमी लग रहे थे मगर नमाकोलियत भरी हुई है आपने कोई बात अजीब सी बात कर रहे हैं बिल्कुल बात की। क्या रेलिवेंट बात कर रहे हैं आप इश्त आप देखें जी प्लीज जी फिर वफा खत्म हो गया अब देखें कुछ सीधी संजीदा बात करें आप मेरे साथ मैं तुमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हूं जो मना किया नहीं है। तुमने जो वक्फे के दौरान मुझसे बदतमीज़ी की उसके बाद कोई भी शरीफ आदमी तुमसे गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं हो सकता नहीं नहीं वो उसमें कसूर दोनों का है एक तो मेहमान से बदतमीजी नहीं करता कभी मैं मगर तो आप जो बातें कर रहे थे आप बग़ैर सोचे समझे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोले जा रहे हैं क्योंकि आपको समझना चाहिए कि उन्होंने क्यों मना किया है कराची के हालात अभी कराची के मेयर ने भी कहा कि यहाँ बल्दिया इंतबात हो रहे हैं मगर देखो एक बात मैं तुम्हें खून खराबा हो सकता है देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं मेरी समझ में एक बात नहीं आती कराची के हालात कराची के हालात कराची के हालात अबे क्या हो गया है कराची के हालात को क्या ट्रेन घरों के छतों पे चलने लगी है या हवाई जहाज जमीन पे दौड़ रहे हैं डेढ़ करोड़ की आबादी वाले शहर में इस तरह के वाक़ तो होते रहते हैं ये मुझे जवाब दो क्या टोकियो में ऐसे वाकयात नहीं होते जवाब दो होते हैं क्या नहीं होते होते होंगे न्यूयॉर्क और शिकागो में ऐसे वाकयात होते हैं कि नहीं होते? हैं। होते होंगे जर्मनी बेल्जियम और फ्रांस में इस तरह के वाकयात होते हैं कि नहीं होते हैं। होते होंगे तो कराची के हालात कराची के हालात अबे मैं तुमको अपनी एक रिश्तेदार खातून का वाकया सुनाता हूँ सारी जिंदगी वो कराची में रही किसी ने उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा जैसी वो खाला इंग्लैंड गई उसके दूसरे दिन उनके पड़ोसी ने उनसे जाति की। कोई गोरा था नहीं एक पाकिस्तानी था तो आपके रिश्तेदार ने लंदन की पुलिस को बताया उन्होंने तो किसी को भी नहीं बताया तो फिर आपको कैसे मालूम हुआ जिसने जाति की उसने खुद बताया मेरी बात सुनिए तू भी मेरी बात आप सुनो। प्रोग्राम में थोड़ी देर रह गई uh, मैं आप कहने जा रहा था मैं माफी चाहता हूं तुम सिर्फ बात करो। नहीं आदमी से करोगे बहुत महंगा पड़ जाएगा जो शख्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव जो शख्स अपनी खाला के बारे में जो सही बात थी वो मेरी सगी खाला नहीं थी दूर भरे की रिश्तेदार थी जो भी थी। जो सच्चाई थी जो वाक था वो बताया तुम लोग सच बोलने से क्यों घबराते हो आप सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात करें क्रिकेट के बारे में बात करें बताओ कह रहे हैं शब्बीर पत्थर फेंकता है और ये जो अपना शोएब अख्तर है वो हीट फेंकता है तुम लोग चुप सर झुका ऑफ कोर्स इसलिए के गोरा ये कह रहा है कभी तुम लोगों के मुंह से ये फूटा कि ब्रेडली क्या फेंक <laughs> बिल्कुल आप दुरुस्त खांस रहे <laughs> ब्रेटली के बारे में जो आपने कहा वो अब वो समझते हैं कि ब्रेटली पत्थर नहीं फेंकता वो समझते हैं कि ब्रेडली पत्थर नहीं फेंकता तो तुम लोग भी ये समझते हो कि वो पत्थर नहीं फेंकता बोलो ना गोरों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते कि वो क्या ब्रेडली पत्थर भी फेंकता है ब्रेडली हीटे भी फेंकता है हर फेंकने की चीज कूड़ा भी फेंकता है मैं कह रहा हूं जाओ बताओ कह रहे हैं कराची में टेस्ट नहीं खेलेंगे पाप कर राज है कराची में टेस्ट नहीं खेलेंगे मैं देखता हूं कैसे नहीं खेलेंगे और जहाँ तक हम बात कर रहे थे फास्ट बॉलर्स की तो इस दफा हमारे फास्ट बॉलर्स हिंदुस्तान गए हैं ट्रेनिंग हासिल करने के लिए शॉर्ट डिलीवरी जी जी बिल्कुल वो यहाँ आ जाएंगे डिलीवरी बाद में होगी क्या मतलब हर बात का मतलब बताने की जरूरत नहीं होती तुमने नोट नहीं की यह बात करोड़ों रुपया नेशनल स्टेडियम पे खर्च हो रहा है दिन रात काम हो रहा है सर्च लाइटें लग रही हैं, और वो गोरा कह रहा है कि कराची में टेस्ट नहीं खेलेंगे अब कैसे नहीं खेलेंगे बाप का राज है क्या खेलेंगे दिस इज माई ऑर्डर बल्कि ये मेरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कराची में टेस्ट खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा इसका फैसला तो आने वाले दिन करेंगे मगर जहाँ तक हमारे पास इतला है वो ये कि टेस्ट नहीं होगा सिर्फ एक वन डे इंटरनेशनल खेला जाएगा इजाज़त दीजिए खुदा हाफ़